हाय, आई एम आकांक्षा अवस्थी और आप लोग देख रहे हैं भोजपुरी बातें। भोजपुरी बातें के दर्शकों के लिए मेरा ढेर सारा सा प्यार उनके लिए। बहुत स्वागत है आपका। आप भोजपुरी इंडस्ट्री का काफी खास हिस्सा है, काफी हिट सॉन्ग्स आपने कोरियोग्राफ किया है। भोजपुरी इंडस्ट्री में इन दिनों काफी विवाद चल रहा है अक्षर सिंह और पवन सिंह को लेकर। अक्षर जी ने मीडिया के सामने आकर काफी एलिगेशंस लगाए हैं पवन जी पर। सबसे पहले इस पर आपकी प्रतिक्रिया जानना चाहूंगी। सबसे पहला सारे भोजपुरी दर्शक को, परिवार को, समाज को मेरा प्रणाम। हूँ तो साउथ से लेकिन भोजपुरी से बहुत लगाव है, क्योंकि भोजपुरी इंडस्ट्री की वजह से मेरा घर चल रहा है और भोजपुरी इंडस्ट्री में बहुत सम्मान मिला है, बहुत इज्जत मिला है, बहुत प्यार मिला है। और रही बात पवन सिंह और अक्षरा की, तो मैं इतना ही कहूँगा कि सारा पब्लिक जो है अक्षरा को सपोर्ट करें, क्योंकि एक औरत होके इस संसार में लड़ना बहुत मुश्किल होता है और लड़कियों को रिस्पेक्ट हर इंसान को देना चाहिए। अगर वो असली अच्छे माता पिता के परवरिश हैं तो औरत को रिस्पेक्ट देना चाहिए, बिल्कुल देना चाहिए। और इस्तेमाल कभी नहीं करना चाहिए किसी लड़की को, और इस्तेमाल करने के बाद इस तरह उसके लाइफ को, कैरियर को बदनामी नहीं देना चाहिए। अगर कोई लड़की छुप बैठी है, इसका मतलब ये नहीं कि वो कुछ नहीं कर सकती है। लड़की चाहो तो बहुत कुछ कर सकती है, हाँ, लेकिन अपने सम्मान के लिए तो हर कोई लड़ना चाहता है, तो लड़ना अक्षरा चाह रही है तो सही है, बिल्कुल सही है। मेरा सपोर्ट, मेरा आशीर्वाद उसके साथ है। आपने दोनों के साथ काम किया है, दोनों के साथ आपने काफी सारे हिट सॉन्ग दिए हैं। सेट पर कभी ऐसा कुछ होता था कि दोनों में मारामारी हो रही है, झगड़ा हो रहा है, आपने कभी लाइव देखा है? हाँ बिल्कुल देखा है। बहुत बुरा लैंग्वेज यूज करते हैं पवन सिंह, जबकि मैं पवन सिंह का बहुत बड़ा फैन हूँ, लेकिन काम अलग, प्यार अलग। लेकिन एक लड़की को इस तरह वेश्या बोलना बहुत, मुझे तो मेरे मुंह से निकलेगा नहीं इतना गंदा शब्द, क्योंकि मेरी भी एक बेटी है और मैं भी अच्छे खानदान से हूँ, मैं भी राजपूत हूँ साउथ से। तो एक राजपूत इंसान को इस तरह किसी लड़की को वेश्या बोलना अच्छा नहीं लगता है। और उनके बहुत गंदे फैंस हैं जो दूसरों के वॉल पर जाके वेश्या लिखते हैं, अक्षरा को क्या क्या बीमारी है और क्या क्या गंदा गंदा कमेंट करते हैं। ऐसा तो बिल्कुल किसी फैंस को नहीं करना चाहिए। मेरे भी काफ़ी सारे फैंस हैं, लाखों फैंस हैं मेरे भी। मेरे फैंस जाके किसी के दूसरे के वॉल पे इस तरह गंदे कमेंट्स करते नहीं हैं जितने पवन सिंह के फैंस करते हैं। तो ये कमेंट्स प्लीज़ ना करें तो अच्छा है, किसी लड़की के वॉल पे जाके या दूसरों के वॉल पे जाके। अक्षरा ने आरोप लगाया है कि पवन जी अब तो दोनों अलग हो गए हैं, अलग होने के बाद उनको इंडस्ट्री में नहीं रहना देना चाहते हैं, उनको इंडस्ट्री से निकालना चाहते हैं, उसके लिए फिल्में नहीं करने दे रहे हैं, म्यूजिक्स नहीं, गाने नहीं बनाने दे रहे हैं, म्यूजिक एक कंपनी किया है। एक फिल्म रिलीज हुई है, मैंने उनको सजन चुन लिया। इसके मुहूर्त पे हम लोग साथ में सेट पे थे, जहाँ पवन सिंह ने अक्षरा को देख के बोला था कि ये टाइटल कैसा है तुम पे, ये तुम्हारे लिए फिल्म बन रही है। मैंने उनको सजन चुन लिया और उसी फिल्म से हटाया गया। माँ तुझे सलाम के सेट पे मारपीट हुई थी, सत्या के शूटिंग के टाइम पे जो गाना था हम हूँ जवान बानी तू हूँ जवान, उस सेट पे गाली गलौच हुआ था बहुत, मेरे सामने ही गाली दिए थे पवन सिंह ने। और पवन सिंह से इतना ही रिक्वेस्ट करूँगा कि आप भोजपुरी के सुपरस्टार, पावर स्टार, एक ऐसे इंसान हो आपके जगह कोई ले नहीं सकता है, लेकिन आप एक लड़की के लेवल पे उतरो मत। ये मेरा आपके लिए संदेश है, प्लीज़ आप जरा गौर से इस चीज़ को, ध्यान से देखिएगा। आपके ऐसा सिंगर कोई नहीं है भोजपुरी में और कोई पैदा नहीं होगा, तो आपका जगह कोई ले नहीं सकता है। तो आप एक लड़की के लिए इतना नीचे मत उतरिए, ये आपको शोभा नहीं देता है। अक्षरा सिंह के साथ आपने काफी सारे गाने किए हैं, हम भी काफी बार सेट पर आते हैं, आप उनको हमेशा अक्षरा कभी नहीं कहते हैं, बेटा कहते हैं, क्यों? रीजन ये है क्योंकि मेरे परिवार का एक हिस्सा है वो, और मैं उसको जब भी देखता हूँ, अपनी बेटी को देखता हूँ, मैं जब भी उसके साथ डांस भी करता हूँ तो मैं उसको छूता तक नहीं, और उसको प्यार से परी भी कहता हूँ। इस बात पे भी पवन सिंह नाराज़ होते हैं कि रामदेवन आपको परी क्यों बोलते हैं। अरे इस भोजपुरी इंडस्ट्री की एक्सप्रेशन क्वीन है वो, और बहुत उसके पूरे परिवार में जानते हैं, इसके विपिन जी जानते हैं, नीलिमा जी जानते हैं कि मैं उसको बेटी की तरह मानता हूँ और बेटी जैसा रखता हूँ। मैं कभी आज तक उसको अक्षरा कभी नहीं बोला हूँ, और मैं हमेशा उसको परी करके बुलाता हूँ। मेरे लिए परी है, ड्रीम गर्ल है, मेरी बेटी का नाम बाद में आता है, पहला मैं उसको बेटी मानता हूँ। आपने पवन जी के साथ काफी हिट सॉन्ग्स किए हैं,
कुछ अभी जो रिलीज हुई है फिल्में प्रेजेंट में अभी कुछ दिनों पहले, उसमें आपके गाने नहीं है, जबकि ऐसा कहा जाता है कि पवन सिंह के जो गाने हिट होते हैं वो रामदेव सर की वजह से ही होते हैं, क्यों? इस बात से बड़ा ईगो उनको क्लैश होता है कि वो हमेशा ये सोचते हैं कि उनके आवाज़ की वजह से हिट होता है। आवाज़ वगैरह देखो, सरस्वती माँ ने सबको आवाज़ दी है और उस आवाज़ के साथ आप न्याय कीजिए। कभी इस भ्रम में मत रहिए मैं हूँ तो सब कुछ हूँ। इंडस्ट्री में एक स्पॉट बॉय जो पानी पिलाता है वो है तो सब कुछ है, एक डायरेक्टर है वो है तो सब कुछ है, एक कैमरामैन है वो है तो सब कुछ है, जो गाना लिखता है वो है तो आप हैं, जो म्यूज़िक डायरेक्टर है वो है तो आप हैं, और एक कोरियोग्राफर है तो आप हैं। तो आप अकेले की वजह से अगर हिट हैं तो हर गाना आपका 100 मिलियन क्रॉस होना चाहिए। क्यों मेरे छोड़ने के बाद कोई गाना 100 मिलियन क्रॉस नहीं हुआ है? जी, बहुत सारे कमेंट्स आते हैं कि रामदेव सर ने खेसारी जी के साथ काफी सारे गाने किए हैं, लेकिन अब कुछ दिनों से उनके गाने आप नहीं कर रहे हैं, क्या वजह थी इसकी? वजह ये थी कि पवन सिंह नहीं चाह रहे थे कि मैं खेसारी के साथ काम करूँ। अब उनके फैंस ये मेरे वॉल पे आके इंस्टा पे लिख रहे हैं, फेसबुक में लिख रहे हैं कि आप अक्षरा का काम छोड़ दो, रितेश पांडे का काम छोड़ दो, खेसारी के साथ काम मत करो। ये बोलने वाले आप लोग कौन होते हैं? मैं किसके साथ काम करूं या ना करूं? मेरा परिवार नहीं है? ये सब बॉलीवुड में क्यों नहीं होता है? ये सब साउथ में क्यों नहीं होता है? क्यों आप लोग अपने फैंस को इस तरह भड़काते हो कि रामदेवन इनके साथ काम करें, रामदेवन इनके साथ काम करें? क्या आप लोग मेरा घर चलाते हो? क्या आप लोग को यह हक है बोलने का कि आप इसके साथ काम मत करो, उसके साथ काम मत करो? मेरे लिए सब फेवरेट हैं, चाहे खेसारी हो, चाहे दिनेश हो, चाहे पवन हो, चाहे रितेश हो, चाहे प्रमोद प्रेमी हो, चाहे अरविंद अकेला कल्लू हो, और मनोज तिवारी जी, रवि किशन जी। मनोज तिवारी, रवि किशन जी तो कभी इस तरह का चाल नहीं चले थे जब तक भोजपुरी इतने ऊंचे मुकाम पे थे। आज पता नहीं भोजपुरी कहाँ पहुँच गया है अश्लीलता को लेके। जितना मैंने फिल्म मनोज तिवारी जी के साथ किए हैं, रवि किशन के साथ किए हैं, उस टाइम पे भोजपुरी वर्ल्ड अलग था और आजकल का ज़माना अलग है। पता नहीं चोली और डोड़ी से कब बाहर निकलेंगे लोग। तो वापस भोजपुरी को समाज में इज्जत मिले तो अच्छी बात है। तो कहीं ना कहीं अक्षय सिंह के साथ आप काम कर रहे हैं, इस वजह से पवन जी से आप जुड़े नहीं हैं, ये भी हो सकता है? हाँ बिल्कुल, क्योंकि जो पवन सिंह के खिलाफ जाएगा पवन सिंह उनके साथ काम नहीं करेंगे। और पवन सिंह खुद ये जानते हैं, जब मैंने उनका एक फिल्म छोड़ा था पवन राजा में एक गाना था, तो डायरेक्टर ने बोला कि सिर्फ अम्रपाली और पवन सिंह है तो गाना हिट है, रामदेवन की क्या ज़रूरत है। तो वांटेड के सेट पे पवन सिंह ने खुद बोला था, एक कमरे में रामदेवन ने गाना किया बर जाता रोड़ी पसीना से, वो गाना हिट हो गया। आप लोगों ने इतना खर्चा किया तो गाना हिट नहीं हुआ, ना अम्रपाली हिट हुई ना पवन सिंह हिट हुआ, ये आप भी जानते हैं और पब्लिक भी जानते हैं। तो उम्मीद है कि ये अक्षरा को प्रॉपर रेस्पेक्ट मिले और उसका जगह जो है मान मर्यादा के साथ उसको इंडस्ट्री में काम करने दें। और एक लड़की के साथ एक लड़के का लड़ना, एक मर्द का लड़ना अच्छी बात नहीं है, वो भी राजपूतों के। और जितने भी पवन सिंह के फैंस हैं, केसारी के फैंस हैं, आप लोग से प्लीज़ रिक्वेस्ट है, आप लोग गंदा कमेंट मत कीजिए किसी के वॉल पे जाके। अगर आप लोग की माँ है, बहन है, तो दूसरे के वॉल पे जाके गंदे गंदे गाली मत दिया कीजिए। हाँ, अगर बात जान लेने की धमकी की बात है तो इंसान को ये कदम उठाना चाहिए, क्योंकि यहाँ हर कोई परमात्मा के आशीर्वाद से पैदा होते हैं, जीते हैं, मरते हैं, तो किसी को जान लेने का हक नहीं है यहाँ पे। अगर किसी ने धमकी दिया है तो ये FIR केस करना ज़रूरी था, ऐसी जान देना अच्छी बात नहीं है। बहुत कम लोग इस मुद्दे पर बोल रहे हैं, भोजपुरी इंडस्ट्री से कोई एक्टर अभी तक खड़ा नहीं हुआ है, कोई एक्ट्रेस नहीं खड़ी हुई है, एक दो को छोड़कर। आपको नहीं लगता कि और भी लोगों को इस बारे में आना चाहिए, भले किसी के बारे में भी बोले, किसी के बिहाफ में भी बोले, ये चाहे अक्षरा हो या काजल हो या अम्रपाली हो या कोई छोटी हीरोइन भी हो जिसका नाम नहीं हो, अगर इस मुद्दे पे, अगर जैसे बीच में विवाद हुआ था रितु सिंह को लेके, तो हर किसी को सपोर्ट करना चाहिए, हेल्प करना चाहिए, क्योंकि यही परिवार है, यही जीना है, यही मरना है। और चाहे अक्षरा हो चाहे कोई भी हीरोइन हो, लेकिन किसी भी मर्द को इस तरह किसी औरत को ब्लेम नहीं करना चाहिए। और इंडस्ट्री से हटाने की औकात किसी की नहीं है, यहाँ पर पब्लिक है, पब्लिक ही हीरो बनाते हैं, हीरोइन बनाती हैं। तो
किसी के पेट पे लात मारना, जगह से हटाना अच्छी बात नहीं है। तो हर किसी को हक है काम करने का, लड़ने का, और अपने नाम पे यहाँ पर जीने का हर किसी को हक है। तो यहाँ से कोई किसी को मिटा नहीं सकता, हटा नहीं सकता है, हर कोई है, और जब तक इंडस्ट्री है तब तक हर कोई जान ही जाएगा कौन कितना पानी में है और किसको कितना हक है जीने का मरने का। तो किसी को रास्ते से हटाना नहीं चाहिए। जी, अक्षरा को जब से उन्होंने विवादित इंटरव्यू दिया है पवन सिंह के खिलाफ, उनको काफी मेंटली हरेस किया जा रहा है, गंदे गंदे कमेंट्स किए जा रहे हैं, उनको कॉल्स आ रहे हैं धमकाने के। कॉल्स तो मुझे काफी आ रहे हैं, जबकि मैं कोई स्टार नहीं हूँ, मैं तो कैमरे के पीछे रहने वाला हिस्सा हूँ। कॉल्स मुझे भी काफ़ी आ रहे हैं और गंदे गंदे मैसेजेस आ रहे हैं कि आप अक्षरा का साथ छोड़ दो, अक्षरा को सपोर्ट मत करो, आप क्यों रितेश पांडे को हेल्प कर रहे हो, आप क्यों इस कलाकार को हेल्प कर रहे हो। ये बोलने का किसी पब्लिक को हक नहीं है, मैं किसके साथ काम करूँ नहीं करूँ और किसको सपोर्ट करूँ नहीं करूँ। मेरा दिल जिसको बोलेगा उसको सपोर्ट करूँगा मैं, और अक्षरा अपने जगह पर सही है तो मैं बिल्कुल सपोर्ट करूँगा। अगर ये किसी और कलाकार के साथ भी होगा तो भी मैं सपोर्ट करूँगा। नहीं, मेरे से बातें तो शेयर नहीं की, उसके सारे इंटरव्यूज देख रहा हूँ मैं और काफ़ी तकलीफ महसूस कर रहा हूँ कि एक लड़की किस तरह अपने हक के लिए लड़ रही है और रो रही है। ये मैं तो मेरा ब्लड का रिलेशन नहीं है लेकिन पिता जैसा हूँ उसका और बेटी मानता हूँ, तो बड़ा तकलीफ हो रहा है। तो मैं चाह कि आप लोगों से बात करूँ इस बारे में, हेल्प करना चाहता हूँ अक्षरा को और मैं उसके साथ हूँ, हमेशा रहूँगा। जैसे कि आपने कहा कि फिल्म के सेट पर गाली गलौज करते थे पवन जी, तो आपको नहीं लगता कि अक्षरा को तब एक स्टैंड लेना चाहिए था? देखिए, प्यार अंधा होता है, जब इंसान प्यार करते ना तभी जन्नत लगता है, और जब प्यार टूट जाता तो वही इंसान सामने वालों को वेश्या लगती है। तो ये बात गलत है, आप प्यार करो या नहीं करो, एक माँ जब कोख से बच्चे को जन्म देती है तो वो माँ कुछ भी हो वो माँ माँ ही होती है। तो ऐसे इंसान को प्यार को भी समझना चाहिए। एक बार अगर आप किसी को प्यार करते हो तो उसको मरते दम तक कितना भी जुदा हो जाए उस प्यार को ऐसे गंदगी में मत लाके छोड़िए, और इस तरह किसी को ब्लेम मत कीजिए और किसी को हटाइए मत उनके पोजीशन से। यहाँ पर बहुत मुश्किल से एक जगह बनता है, जो जगह अक्षरा ने हीरोइन होने के बाद जो स्ट्रगल की है, वो स्ट्रगल जो मैं देखा हूँ, उसका अकेलापन, उसका तड़पना, उसका रोना, फिर एज अ सिंगर उसका खड़ा होना, और वो आज वो स्टेज शोज में इतनी माहिर है, इतना हिट है, और आप हर शोज पे जाके उसकी बुराई कर रहे हो, ये गलत बात है। और भगवान ने आपको बहुत बड़ा जगह दिया है, आपको पलट के देखने की ज़रूरत नहीं है पवन जी, इतना ही बोलूँगा, आपको पलट के देखने की ज़रूरत नहीं है, आपके जगह पे कोई पहुँच नहीं सकता है, लेकिन आपको इतना नीचे आके बात नहीं करना चाहिए किसी लड़की के लिए। जी, खबर काफी ये भी फैली हुई थी कि जब पवन जी की शादी हो रही थी ज्योति सिंह के साथ, तब एक रूम में अक्षरा को बंद किया गया था, क्या इस बारे में आपको कुछ पता है? हाँ, इस बारे में सुना हूँ मैं कि अक्षरा को कैद करके रखा गया, जबकि वो लड़की बहुत माहिर है, वो बहुत ताकतवर लड़की है। जब उसको बंद करके रखा गया तो वो लड़की अगर उसको खुला भी छोड़ देते तो भी वो पवन सिंह को कुछ नुकसान नहीं कर सकती थी, वो इतनी गंभीर लड़की है, इतनी मजबूत लड़की है। लेकिन शादी के बाद भी एक साल इन दोनों का अफेयर रहा, लेकिन किसके घर से इसको धमकी आया ये मुझे पता नहीं। तो अक्षरा ने सोची कि पवन सिंह के लाइफ से हट जाए तो बेटर है, तो वो हट भी गई। हटने के बाद भी इतना सब कुछ ये लफड़ा हो रहा तो ये गलत है। मैं सिर्फ अक्षरा के फैंस, सिर्फ पवन के फैंस से नहीं कहना चाहूँगा, जितने हीरो हीरोइन है सारे फैंस को इतना ही बोलूँगा कि जैसे साउथ में हर कलाकार को हर फैंस रिस्पेक्ट देते हैं, चाहे रजनीकांत के फैंस हो, चाहे कमल हासन के फैंस हो, चाहे महेश बाबू के फैंस हो या रामचरण के फैंस हो, सारे फैंस सारे कलाकार को रिस्पेक्ट देते हैं। वैसे आप लोग भी भोजपुरी के सारे कलाकार को रिस्पेक्ट दो, किसी और के वॉल पे जाके गंदे कमेंट्स, माँ बहन की गंदी गाली मत दिया करो। सारे फैंस को इतना ही बोलूँगा, चाहे वो अक्षरा के फैंस हो या पवन सिंह के फैंस हो, हर किसी को रिस्पेक्ट दीजिए। एक आखिरी सवाल सर, जिस तरह से अक्षरा जी ने खुलकर सारी बात बताई मीडिया के सामने आकर,
और पवन जी मीडिया के सामने नहीं आ रहे हैं, मीडिया से छुप रहे हैं, उनकी कोई रिस्पांस नहीं मिल रहा है, कोई जवाब नहीं दे रहे हैं वो, तो इस पर क्या कहना चाहिए? इस पर मैं पवन जी को इतना ही बोलूँगा कि आप हमेशा मीडिया को अवॉइड करते हो, जबकि मीडिया की वजह से आप लोग हैं, जो भी हीरो हैं, जो भी हीरोइन हैं, अगर मीडिया वाले आप लोग को पब्लिक तक नहीं ले जाएंगे तो आप लोग कुछ नहीं हो। तो आप लोग को मीडिया के सामने आना चाहिए और जो दिल में है उसको बाहर निकाल के रखना चाहिए। और पवन सिंह तो हमेशा मीडिया के सामने कब आए हैं, जब आप लोग इंटरव्यू लेना तो कहाँ कितना समय देते हैं, 2 मिनट, 1 मिनट। इस मामले पे जब भी हम बात करते हैं, कोई भी मीडिया पहुंचती है उनके पास, तो उनका कोई भी रिस्पांस नहीं रहता है, नो कमेंट कहकर टाल देते हैं बात को। तो जबकि उनसे मिलने के लिए मेरे कई सारे फैंस मेरे सेट पे आते हैं कि पवन भैया के साथ फोटो खिंचाना है, तो पवन बोलते हैं नहीं, मूड नहीं है। मूड बनाना पड़ता है बेटा। डायलॉग आपका बहुत बड़ा हिट हुआ है, पवन सिंह का मूड बनता है, तो मूड हमेशा मूड में रहिए, काम पे ध्यान रखिए, हर प्रोड्यूसर के बारे में सोचिए, सेट पे टाइम पे आइए। आपके कई सारे गाने मैंने हिट किए हैं और कैसा हिट किया हूँ आप जानते हो और मैं जानता हूँ। तो वक्त का कदर कीजिए, सेट पे टाइम पे आइए, हर प्रोड्यूसर को जिंदा रखिए, जो मीडिया हैं उनके सामने आइए और जो दिल की बात है वो सामने रखिए। मैं आज तक कभी आपकी बुराई नहीं किया हूँ और कभी करूँगा भी नहीं, लेकिन इतना कहूँगा कि कभी किसी लड़की को नीचे झुकाइए मत। अगर आप अपनी माँ से प्यार करते हो, अपनी बहन से प्यार करते हो, तो हर किसी को उस नज़र से देखिए और आपके फैंस को भी समझाइए कि किसी के वॉल पे जाके गंदे कमेंट्स ना करें। मैं तो मर्द हूँ, बर्दाश्त करता हूँ, डिलीट कर देता हूँ, ब्लॉक कर देता हूँ, लेकिन एक औरत किस किस चैनल पे जाके, किस किस ऐप में जाके सबको ब्लॉक करती रहेगी? अगर आप लोग अपने माँ बहन से प्यार करते हो तो किसी औरत के वॉल पे जाके गंदे कमेंट्स मत करो, ना ही मेरे वॉल पे आके। मैं डिलीट कर सकता हूँ लेकिन भगवान नहीं, भगवान जिस दिन डिलीट करेगा तो आप लोग इस दुनिया में नहीं रहोगे। थैंक यू। Press the bell icon on the YouTube app and never miss another update.